जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं मंडे के दिन कैसा मार्केट ओपन हो सकता है, निफ्टी में किस तरीके से मूव हमको देखने को मिल सकते हैं और अमेरिकी मार्केट अभी क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा और बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कभी आपने सोचा कि बाजार गिर क्यों रहा है, इसके गिरने की वजह क्या है? सोचा भी होगा और आपको दिखाया भी गया होगा, आपको बताया भी गया होगा। पहले क्या रीज़न है? पहले हम अपना रीज़न तो देखते नहीं हैं, हम देखते हैं बाहर का, जो हमारी हमेशा से आदत है। तो चलिए बाहर के रीज़न की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके युद्ध आपके चल रहे हैं ईरान तो उसका, तो अब वहाँ पे क्या हुआ, जब युद्ध आपके चलते हैं तो क्रूड ऑयल जो होता है वो आपका तेज़ी में आ जाता है। जब क्रूड ऑयल आपका तेज़ी में आ जाता है, उसको हमेशा डॉलर में बाइंग करती है। जब डॉलर में बाइंग किया जाता है और क्रूड ऑयल की रेट आपके ऊपर की साइड चले गई, तो इसमें हमारा नुकसान होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एफएनडो का अभी पूरा सिस्टम जो चला, वो सेवी ने जो बताया था कि बहुत हुआ है डेली डेली एक्सपायरी, अब इसको ख़त्म करते हैं। और जो अभी जो रिपोर्ट भी आया था जिसमें देखिए आपका 89% आपके ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और उनका एवरेज कितना था लॉस का, 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक, तो लगातार लॉस हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर उसके पहले अगर आप पुराने ट्रेडर हो, आपको पता होगा, तो पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी और वो भी मंथली होती थी। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी आपकी वीकली चालू हो गई। अब मन इसी जगह तक शांत नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी बैंक सेंसेक्स, ठीक है, सब कुछ आ गए और इन सब की भी एक्सपायरी चालू हुई। लॉस आपका ज़्यादा होने लगा, उसके बाद अब ये ख़त्म हुआ। तो अब इसके वजह से क्या हुआ, मार्केट में ऐसा लगा कि जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होती थी वो अब कम हो जाएगी, तो उससे मार्केट को भी नुकसान होगा, थोड़ा वो भी रीज़न था। अब जी सब सारे रीज़न हमको देखने वाले, लेकिन एक रीज़न सबसे मेन चीज़ था, वो रीज़न था टॉप। मार्केट का टॉप कब बनेगा? अब जब भी मार्केट का टॉप बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता है कि आपका टॉप बन गया और वो उसके ऊपर ही जाते जाएगा। अगर इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, चार्ट को देखना। चार्ट आपका क्या दिखा रहा है, ये अगर आप पूरा रोल ओवर चार्ट देखोगे ना, यहाँ से जब आपका कोविड आया था, कोविड के पहले भी हम चार्ट देख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए आपको ये पूरी सेलिंग देखने वाली, फिर एक तेज़ी आया, फिर आपको देखिए यहाँ पे सेलिंग देखने वाली, फिर तेज़ी आया, फिर सेलिंग देखने वाली, फिर तेज़ी आई, फिर सेलिंग देखने वाली, तेज़ी आई, फिर सेलिंग। अभी क्या हुआ है, अभी आप देखोगे तो बैक टू बैक 5 दिन आपका सेलिंग देखने वाला, और इसने देखिए सेलिंग अगर इसको देना था तो यहाँ पे ये 26,000 से सेलिंग दे सकता था, लेकिन क्या किया, 26,200 ऊपर गया, इसको टच किया, फिर वहाँ से सेलिंग आया। अब यहाँ पे देखिए 26,000 से सेलिंग इसने क्यों नहीं दी, पहले इसको समझ लेते हैं। आप मान के चलिए कि ये 26,000 का प्राइस है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जिसकी साइकोलॉजी है कि मैं ब्रेकआउट पे ही बाइंग करूँगा, तो यहाँ पे 26,000 को अगर ये बाइंग नहीं करता तो वो लोग बाइंग ही नहीं कर पाते, ठीक है। वो बाइंग नहीं करते तो फिर सेलर जो है वो उसका पैसा कैसे बनता है, तो उसका पैसा ही नहीं बन सकता, क्योंकि किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट ना। तो फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो जिन लोगों को ब्रेकआउट पे बाइंग करना पसंद है उन लोगों ने भी बाइंग किया 26,000 के ऊपर। अब दूसरे वो लोग जो साइकोलॉजी को देखना पसंद करते हैं, अब साइकोलॉजी में क्या है, 26,000 यानी एक साइकोलॉजी प्राइस है कि भाई इसको भी पार कर दिया, चलो मैं भी बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे वो लोग आ गए। अब तीसरे कौन से लोग, तीसरे वो लोग जो FIS को देखते हैं, DIS को देखते हैं, अमेरिकी मार्केट को देखते हैं, इंडिया मार्केट को देखते हैं, सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, डेटा देखते हैं, उनके लिए डेटा बनाया गया। कौन सा डेटा बना था, 14,000 करोड़ का। अब जैसे ही 14,000 को मार्केट के अंदर एंटर किए, आप समझ के जाइए,
जैसे ही जब 14,000 को मार्केट के अंदर एंटर किए, अब इससे क्या बना? न्यूज बना। कैसे न्यूज बना? कि बाजार के अंदर एफआईआईस ने 14,000 करोड़ का बाइंग किया, पहला न्यूज। दूसरा बना कि एफआईआईस ने 14,000 करोड़ का बाइंग किया, वो भी एक दिन में। एफआईएस ने 14,000 करोड़ की बाइंग की, वो भी 3 साल के रिकॉर्ड में। ठीक है, ये सारी न्यूज आपके पास आ गई, तो ये लोग जो साइक ये सब कुछ देखते हैं, उन्होंने भी बाइंग किया। अब आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने जाके देखा होगा, एक चीज़ सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि 14,000 करोड़ का माल खरीदा, ठीक है, उसमें ये भी बोल दिया था कि अब बिग रिवर्सल होगा, कहाँ से? ऊपर से होगा बिग रिवर्सल, ये मैंने आपको बता दिया था। क्यों होगा? क्योंकि आप समझिए, यहाँ पे आपके DIS माल खरीद रहे थे लगातार, ठीक है, पैसा आया, रिटेस्ट आया, फिर पैसा आया, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका 26,000 वाला लेवल था, यहाँ पे कुछ छोटी कैंडल बनी थी, इस पर रिटेस्ट किया और यहाँ से टॉप बनना, जैसे इसने इस वाले प्राइस को ब्रेक कर दिया था जो कि आपका 25,800, जैसे इसको ब्रेक किया ये आपके लगातार निकल गई। फिर उसके बाद बहुत सारी न्यूज भी आने लगी, ठीक है, हमले भी होने लगे, ये सारी चीज़ें भी होने लगी, ठीक है, वैसे दुआ करते थे जल्दी बंद हो जाए अच्छी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने लगी, यानी एक कहीं ना कहीं करेक्शन आने लगा। अब आप समझो, अब ये वाला जो प्राइस है ये हमारा सपोर्ट का है, क्योंकि 24,800 कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। ऊपर आपका 26,200 से मार्केट आपका कहाँ तक आ चुका है? 25,000 तक, यानी 1200 पॉइंटों की हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे आप समझिए कि FIS ने क्या क्या किया अभी इन दिनों, तो FIS ने कैश के अंदर एफेंडो का यहाँ पे आपका फ्यूचर का आपको कैश का दिखाई दे रहा है। कैश के अंदर 3 दिन लगातार बिकवाली की और टोटल बिकवाली जो हुई वो 30,720 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद क्या देखने बोला? उसके बाद देखिए DIS को देख लेते हैं। DIS ने क्या किया? DIS ने भी अपना दम लगाया और 26,428 करोड़ का माल खरीदा 3 दिन के अंदर, ठीक है, अच्छा खासा माल लगा। अब यहाँ पे देखिए एफेंडो का डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। एफेंडो का डेटा क्या कहता है? तो एफेंडो का डेटा यहाँ पे देखिए, एफेंडो का डेटा अपन देख लेते हैं। एफेंडो का डेटा अगर आप देखोगे तो एफेंडो के डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि लगातार देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली दिखाई दी, लेकिन ऑप्शन के अंदर खरीदारी की है। अब ये ऑप्शन के अंदर खरीदारी किस चीज़ की है इसको अपन समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 44,240 करोड़ की देखें यहाँ पे हमको खरीदारी देखने को दिखाई दी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम US मार्केट में देखते हैं तो US मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई, एक अच्छी तेज़ी हमको देखने वाली, और उस तेज़ी से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर डाउ जोन में अच्छी तेज़ी दिखाई दी, ठीक है, डाउ जोन के इंडेक्स में बढ़िया तेज़ी दिखाई दी, साथ ही साथ में नैसडैक में अच्छी तेज़ी देखने वाली, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट और आपके 1% के ऊपर। डाउ जोन में हमको 340 पॉइंटों की तेज़ी देखने वाली 1% के आसपास, और SPM 500 में भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास यानी 50 पॉइंटों के ऊपर हमको तेज़ी देखने वाली। अब स्टॉकों में अगर हम बात करें तो कितने स्टॉक हमको यहाँ पे भागते हुए दिखाई दिए, तो देखिए यहाँ पे वो सारे स्टॉक थे जो आप यूज़ करते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए टेस्ला आपको भागता हुआ दिखाई दिया, HP देखने हो दिखाई दिया, ठीक है, नेकवे दिखाई दिया, एप्पल दिखाई दिया, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना जिनका आपने नाम सुना है, वो सभी कंपनियों में आपको तेज़ी देखने को मिली, और उसके बाद आपका इंडेक्स आपका ऊपर की साइड आ गए, ठीक है। उसके वजह से अगर आप देखो तो डाउ जोन में हमको 340 पॉइंटों की तेज़ी देखने को मिली। अब इसके साथ साथ देखिए जो डेटा मैंने आपको बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल को, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही देखिए मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? 15 मिनट के चार्ट पे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ये सपोर्ट वाला लेवल आ चुका है। अगर देखिए यहाँ पे ये फ्लैट ओपनिंग कर देता है, ठीक है, वैसे फ्लैट ओपनिंग होगा तो नहीं, लेकिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग कर देता है तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की, ठीक है, अपसाइड के लिए।
क्योंकि एक साइकोलॉजी प्राइस भी आ चुका है 25,000 का, और ऊपर से 1200 पॉइंटों का करेक्शन होने के बाद ये हमारा साइकोलॉजी प्राइस देखने वाला है। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है, तो उसके लिए देखिए हमारे नीचे की साइड सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट आप समझिए, देखिए 25,000 की लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, बोलिए हाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका 9 सितंबर का जो लो था वो था आपका 24,800 का, 24,800 का जो लो है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। मतलब आप ये समझिए कि 80% आपका ये सपोर्ट है, बस 20% आपके सपोर्ट जो ब्रेक होने के चांस है। यहाँ पे मिलता है हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बढ़िया सपोर्ट है। बाइंग आपको उसी समय करना है, पैसा आपको उसी समय लगाना है जिस समय सभी के सभी लोग मार्केट को गलत समझ रहे हैं, मार्केट को बेरिश समझ रहे हैं और एक लेवल को ब्रेक कर रहे हैं। अब ऊपर की साइड देखिए क्या चाल किया था इसने, 26,000 के लेवल को ब्रेक किया 200 पॉइंट और फिर आपको सेलिंग आ गई। अब उसी चाल को हम समझ के क्या करेंगे, अगर ये 25,000 को ब्रेक करता है तो हम 200 पॉइंट नीचे बाइंग कर लेंगे, यानी 24,800 से लेके 24,900 के पास, ठीक है, 24,800 से लेके 24,900 के पास ये हमारा बाइंग वाला लेवल है। 25,000 को अगर ये ब्रेक करता है कंसोलिडेट करने के बाद, 25,000 को अगर ये ब्रेक करता है कंसोलिडेट करने के बाद, तो 100 से लेके हमारे पास 200 पॉइंटों की सेलिंग करने की जगह रहेगी, जो कि 9:15 मॉर्निंग में देख लीजिए या उसके बाद देख लीजिए, ठीक है, ये 9:15 के आसपास हमको यहाँ पे सेलिंग करने की जगह रहेगी, जो कि नीचे तक वह आपका 24,800 तक। इसके बाद नहीं, इसके बाद हम मार्केट आवर्स में देखेंगे कि कैसे मूवमेंट कर रहा है मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखिए एक पैटर्न समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार अगर आप देखो तो इस फॉर्म में ये नीचे की साइड आ रहा है, ये फॉर्म, यहाँ पे सेलर बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, ठीक है, ये सेलर बैठे हुए, यानी जब भी जो ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी, ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी। अब आप सोचिए कि अगर ये ऊपर की साइड गैप के साथ ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप के साथ ओपन हो जाता है और एक प्राइस पर ये कंसोलिडेट करता है 25,200 के ऊपर, 25,200 के ऊपर अगर ये कंसोलिडेट करना चालू कर दिया तो इनको ट्रैप करेगा, इनको ट्रैप करेगा, इनको ट्रैप करेगा, फिर मार्केट ट्रैप करेगा, यानी 25,200 के ऊपर ही हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके पहले हम इसमें क्या कहते हैं, कंसोलिडेट करके अगर ये नीचे की साइड जाता है तो हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये नीचे की साइड मिलता है तो वहाँ पे तो हम बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऊपर हमारे लिए रजिस्टर है 25,300 और ये जगह 25,400, ये हमारा रेजिस्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगर 25,200 के ऊपर निकलता है तो 100 से लेके 200 पॉइंटों की हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।